बरवाला हलके के जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने माफी मांग ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता रहे चले कि विधायक ने किसानों के दिए हुए अल्टीमेटम के चलते ये माफी मांगी है। दरअसल बाड़ोपट्टी टोल पर पहुंचकर विधायक ने माफी मांगी है। किसानों ने भी मंच से जोगीराम को माफ करने का ऐलान कर दिया है। याद दिला दें, 14 अगस्त को जोगीराम सिहाग सरसौद में एक रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में पहुंचे रहे थे और गांव में ही किसानों ने विरोध किया, तो उस दौरान सिहाग के समर्थकों और किसानों के बीच हाथापाई हुई थी। इसी मसले पर टोल प्लाजा के नजदीक 58 गांव की पंचायत हुई और वहां किसान नेताओं ने कहा कि 14 अगस्त को सरदौर के अंदर हुई घटना के जोगीराम सिहाग साथियों समेत आज 4 बजे तक माफी मांगे और उसके बाद ये वाकया सामने आया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने माफी भी हालांकि मांग ली है और अब उसको माफी का ऐलान किसानों की तरफ से भी किया गया है। और किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के नुमाइंदों का सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने का विरोध जारी रहेगा। जोगीराम सिहाग ने किसानों को हालांकि ये सलाह भी दी कि आंदोलन को शुरुआती तौर जिस तरीके से चल रही थी वैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। रोहित, ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से माफी के पास जब पहुंचा है, क्या यह माना जाए कि अब कम से कम जोगीराम सिहाग की मुश्किलें जो थी वो खत्म हुई हैं, या एक नेता के तौर पर पार्टी के तौर पर अभी भी वो चुनौतियां बरकरार हैं? देखिए मनोज, आपको बता दें कि 14 अगस्त का ये मामला था जब विधायक जोगीराम सिहाग जो है वो सरसौद एरिया में अपने एक रिश्तेदार के घर पर कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, तो इसी बीच किसान के साथ किसी बात को लेकर जो है उनका विवाद हुआ था। विवाद का कारण वही था कि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, तो उसी के मद्देनजर किसानों की तरफ से एकजुटता दिखाते हुए जोगीराम सिहाग का विरोध किया गया था। और आज जो है टोल पर एक बार फिर से पंचायत हुई जिसमें खुद जो है जोगीराम सिहाग पहुंचे थे, क्योंकि किसानों की तरफ से कल एक पंचायत कर आज 4 बजे तक का जोगीराम सिहाग को अल्टीमेटम दिया गया था और उसी के मुताबिक जोगीराम सिहाग पहुंचे और उन्होंने तमाम किसानों के समक्ष जो है अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है, जिसके बाद किसानों ने उन्हें माफ तो कर दिया लेकिन साथ ही एक बात का और भी ऐलान किया है कि भविष्य में भी बीजेपी और जेजेपी के जितने भी नेता हैं उनके सार्वजनिक कार्यक्रम का लगातार जो है विरोध जारी रहेगा। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रोहित, तो ये बड़ी खबर है, माफी मांगी है उन्होंने, माफी का ऐलान किसानों की तरफ से भी किया गया है, लेकिन जोगीराम के शब्द क्या है जरा हम एक बार दर्शकों को वो सुना लें। आज की जो पंचायत है हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ मिटाने के लिए बहुत अच्छी तरह बहुत बढ़िया गया, अब ये पंचायत होगी और इन्होंने मेरे को बुला लिया, सब ने मेरा पाट गया, मैं कदे तक इतना चाहूँ था वो कोई पंचायत और मैंने बुला ले, ठीक है ना। और रही बात गलती तो भाई किससे नहीं होती, मेरे से भी हो जाए, अगले से भी हो जाए, ये मेरे मैं इनका, इनसे हुई गलती मुझसे हुई, मैं बढ़ाऊ इनसे पदमा भी बढ़ाऊ उम्र भी बढ़ाऊ, इसलिए छोटे गलती करते कोई बात नहीं, बड़े गलती नहीं करना। तो ये वो बयान, दरअसल माफी उन्होंने मांग ली है क्योंकि गतिरोध और जो मतभेद है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, इसको शांत करने की एक कोशिश की और उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने कहा कि इस तरह की बात हो जाती है कभी, लेकिन अब चलिए इसकी माफी मांग लेते हैं, कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। रोहित, आप हमारे साथ बने हुए हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या जोगीराम सिहाग के लिए बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध वाला जो स्टैंड है किसानों का वो कुछ हद तक कम हुआ अभी के लिए, वर्तमान के लिए कहें सिर्फ इतना भर? देखिए विवाद का कारण यही था, जो जोगीराम सिहाग जब 14 अगस्त को गांव सरसौद जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है वहां पर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तो उस दौरान जब किसानों ने उनका विरोध करने की कोशिश की तो उस बीच जो है किसानों के साथ जो है जोगीराम के समर्थकों की हाथापाई हो गई थी। मुद्दा यही था कि वो हाथापाई जो हुई थी उसके लिए जो है सार्वजनिक तौर पर किसानों से माफी मांगी जाए, उसी संबंध में आज माफी मांगी गई है। साथ ही किसानों ने उसी मंच से जहां पर ये पंचायत हुई थी टोल पर, उसी मंच से ये भी ऐलान किया है कि विरोध जिस तरह से पहले चल रहा था बीजेपी जेजेपी नेताओं का, वैसा ही भविष्य में भी सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध जो है लगातार जारी रहेगा। मुद्दा केवल 14 अगस्त का भी सॉर्ट आउट हुआ है। जी जी जी, शुक्रिया आपका रोहित इस अपडेट के लिए।